भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज के समारोह में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सोम प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, इसी धरती के नाल प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे बंधुओं और बहनों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए जिन्हें यह दायित्व दिया गया है, ऐसे मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री असीम अरुण जी, प्रदेश सरकार के ही समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, माननीय सांसद श्रीमती रीता बरुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, श्री विनोद सोनकर जी, श्री बीपी सरोज जी, श्री रमेश बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कमोजिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सलील बिश्नोई जी, उपाध्यक्ष और प्रदेश संयोजक अनुसूचित जाति सम्मेलन श्री ब्रज बहादुर जी, मान्य विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी और भारी संख्या में उपस्थित अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए आज के इस महासम्मेलन में उपस्थित भाइयों बहनों, संगम नगरी को प्रणाम करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के इस महासंगम को, जिसमें आप सभी बंधुगण उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जैसे प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का संगम बनकर किसे अपना भी पवित्र बनाता है, ऐसे ही हमारी भारत की सनातन हिंदू संस्कृति है, जिसने अनेक जातियां एकजुट होकर के इस पूरे परंपरा को, इस संस्कृति को मजबूती बनाने का कार्य करती है। समय समय पर हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने इसे सिंचित करके, पंडित और पुष्पित करके इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये हमारा सौभाग्य है, आज हमें प्रयागराज की धरती पर इस महासम्मेलन को करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। याद करिए, प्रयागराज की धरती त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की एक पावन धरती है, जिस पावन धरा पर प्रभु श्री राम के पावन चरित्र को अपने आदि काव्य रामायण के माध्यम से हम सबको विरासत के रूप में छोड़ करके महर्षि वाल्मीकि ने सदैव सदैव के लिए
संवाद प्रभु श्री राम के साथ प्रस्तावित किया है। मैं प्रभु श्री राम के चरित्र के उद्गाता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है डबल इंजन की सरकार महर्षि वाल्मीकि से जुड़े हुए लालापुर के पुनरुद्धार का कार्य कर रही है। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे लालापुर में रोपवे का निर्माण हो जाएगा और महर्षि वाल्मीकि की कुटिया तक पहुंचने के लिए आसानी से रोपवे के माध्यम से हर व्यक्ति इस पहाड़ी पर चढ़ पकड़ के दर्शन कर पाएगा। और ऐसे ही वाराणसी में संत रविदास जी के पावन जन्मस्थली श्री गोवर्धन को भी डबल इंजन की सरकार पुनरुद्धार का कार्य करते हुए मध्यकालीन सिद्ध संत संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति भी नमन करने का कार्य कर रही है। याद करिए संत रविदास जी के पूज्य गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने घोषणा की थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और ये हरि को भजन करने में अपने में इतनी लीन थे, उन्होंने हम सबको कर्म की प्रेरणा देकर के एक ही बात का संदेश दिया था कि मन चंगा तो कठौती में चंगा। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है जब इस देश को स्वतंत्र भारत को एक संविधान देने की बात आई थी, तो संविधान भी अगर किसी ने हमें प्रदान किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश के अंदर संविधान देकर के आज 142 करोड़ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान से प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हुए विकास और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किसी सरकार ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए उन पांच प्रमुख स्थलों को मध्य प्रदेश जहां उनका जन्म हुआ था, बहुत छावनी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बना। दिल्ली में सार्वजनिक जीवन उन्होंने जहां व्यतीत किया था उस भवन को एक भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का कार्य किया गया। इंग्लैंड में रहकर के जिस आवास में रहकर के उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की, इसे खरीद करके अनुसूचित जाति के हमारे बंधुओं के लिए स्कॉलरशिप देकर के उच्च डिग्री के लिए इंग्लैंड में रहने की व्यवस्था के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां पर भव्य स्मारक बनाया गया और उनकी दीक्षा भूमि नागपुर को भी भव्य स्वरूप और स्मारक देकर के चैत्य भूमि को भी भव्य स्मारक और वहां पर उनकी स्मृति को जीवंत बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, दिल्ली में आप जाइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की स्मृतियों को ताजा कर देता है। यह भी अगर किसी ने बनाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज डबल इंजन की सरकार भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भव्य स्मारक और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण कर रही है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए युवाओं के लिए स्कॉलरशिप और छात्रावास की भी व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, एक डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वह करके दिखाती है।
और केवल गोपी नहीं बल्कि सरकार ने जो कहा उसको समय पर करके दिखाया भी है। आज आपके सामने देखते होंगे इतनी सारी योजनाएं वेलफेयर की स्कीम आई है, इनमें से अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे बंधुगण उससे लाभान्वित हुए हैं। अभी 15 नवंबर की तिथि जनजातीय दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और एक कार्यक्रम 15 नवंबर को पूरे देश के अंदर आयोजित होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाकर के तैयार किया था। 26 नवंबर की तिथि भारत के अंदर संविधान दिवस के रूप में मनाया जा सके यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही करके दिखाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए इस कार्य को किया। आपने देखा होगा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप इन योजनाओं का लाभ हर गरीब को हर वंचित को हर दलित को हर उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए प्रदेश में डॉनिंगटन की सरकार बनी तो हम लोगों ने घोषणा की कि हर मुसहर को एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, कोल जाति के हर व्यक्ति को एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन राजमणि कोल हमेशा हमारे पास आते थे कि हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में इतने लोग ऐसे हैं उनका नाम SECC की सीट सूची में नहीं है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, नाम हो न हो हम इनके लिए अलग से स्कीम बनाएंगे। कोल है, थारू है, चेरो है, गोड़ है, बंटानिया है, मुसहर है, अहेरिया है, बुक्सा है, ये जितनी जातियां हैं और अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई जो भी जाति होगी जिसकी व्यक्ति के पास अपना आवास नहीं होगा ये डबल इंजन की सरकार उसको आवास उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसको जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य करेगी, राशन कार्ड देगी, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देगी, उसके रोजगार की व्यवस्था करेगी, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आप भाइयों बहनों इसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोनभद्र हो या मिर्जापुर इन सभी जनपदों में अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए जिन लोगों को जमीन के पट्टे देने थे युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है। प्रयागराज और चित्रकूट कोल जनजाति से जुड़े हुए बंदों को अधिकतर जगह पर आवास उपलब्ध किए जा चुके हैं, जो थोड़े बहुत बचे होंगे उनको भी आवास के लिए सरकार ने पैसे की व्यवस्था की है, उनको भी आवास उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे जो भी उस पात्रता की श्रेणी में आते हैं। हमने जाति आधार पर नहीं बल्कि उसकी जरूरत के आधार पर उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया और आज इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार के रूप में एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों अभी आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सोम प्रकाश जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में पंजाब की स्थिति के बारे में आप सबको अवगत कराया और आज मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूं हम सब सौभाग्यशाली हैं, मां गंगा का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्रयागराज की धरती पे हम सबको इतना बड़ा सम्मेलन करने का इस महासंगम के स्थल पर या अनुसूचित जाति महासंगम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके माध्यम से शासन की योजनाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है
और आज उसके माध्यम से हम लोग शासन की योजनाओं का भी अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 2025 में फिर से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा और भाइयों बहनों महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत पहले हम कर चुके हैं। आज 3300 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास फिर से हो चुका है। एक भव्य और दिव्य कुंभ है। देश और दुनिया प्रयागराज में आए, यहां पर अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के साथ साथ आपने देखा होगा जब संगम में कोई स्नान करता है कोई जाति भेद नहीं होता, कोई भी स्पर्शिता और छोचुन का भाव नहीं होता है। वहां तो फिर संत रविदास जी की भावना केंद्र उनकी कृपा केंद्र सबको एक समान रूप से मां गंगा सबको अपना बराबर का आशीर्वाद प्रदान करती है और फिर प्रयागराज की धरती तो महर्षि भारद्वाज और महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी की पावन धरा है। इस धरती पर भेदभाव और छुआछूत का स्थान कैसे हो सकता है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों आज हम सब आपको यह आश्वस्त करने के लिए आए हैं, ये तो विकास की योजनाएं हैं, ये बिना भेदभाव के शासन की योजना को आप तक पहुंचाने का कार्यक्रम का हिस्सा है। जो लोग प्राप्त कर चुके हैं उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए, जो लोग अभी लाइन पे लगे हैं उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल जाए और जिन लोगों के तक नाम नहीं आए उनका नाम यहां शीघ्र सूची में डलवा करके उनको भी हम बहुत शीघ्र योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर सकेंगे। आज इसी का परिणाम है, आपने प्रयागराज में हो या मिर्जापुर में जो हमारे श्रमिक वर्ग थे उनके लिए बनाया गया अटल आवासीय विद्यालय जाकर के देखे, हमारे श्रमिक वर्ग के बच्चे इन स्कूलों में जब पढ़ेंगे तो उनके समग्र विकास की कार्य योजना उन विद्यालयों के माध्यम से अपने आप ही स्थापित हो जाएगी। आपने देखा होगा सरकार जब बिना भेदभाव के कार्य करती है तो उसका लाभ भी आश्रम पद्धति विद्यालयों के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किए गए छात्रावासों के माध्यम से अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से और आने वाले समय में पीएम श्री विद्यालय की योजना और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय की नई कार्य योजना के साथ हम आ रहे हैं जिससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी हम अति उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर सकेंगे, अति उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पाएंगे, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर पाएंगे, उनके आर्थिक स्वावलंबन और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आए हैं। भाई मैंने आपने देखा होगा 2017 के पहले अनुसूचित जाति और जनजाति को शासन की योजनाओं से वंचित किया जाता था। जब मैंने 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हम लोगों ने एक ही दिन में सभी राशन के कोटों की दुकानों पर जब एक साथ छापेमारी करके फर्जी राशन कार्ड पकड़े थे, 30 लाख ऐसे फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए थे और मुझे आश्चर्य होता था पिछली सरकारों ने इन गरीब वंचितों को राशन से भी वंचित करके रखा था। लेकिन कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार ने राशन का डबल डोज हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था, हर वंचित को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था और आज भी राशन की सुविधा का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो भी परंपरागत उत्पाद है इस परंपरागत उत्पाद में अधिकतर लाभ अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ी जाति के इन लोगों को प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। इस विश्वकर्मा में परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों के सम्मान के लिए उनकी ट्रेनिंग के लिए
शासन का इंसेंटिव उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए भी एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया गया है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए लोगों के लिए सरकार के स्तर पर आज उन नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, मुफ्त में पढ़ाई की व्यवस्था है, शासन की योजना से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें अपने कोचिंग से जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो साथ साथ सरकारी नौकरी में आने पर उनको मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं रखी जा रही है। और भाइयों बहनों, यह भी सुनिश्चित किया गया है अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ी जाति का कोई भी गरीब कोई भी वंचित गांव में जहां रहना है उस गांव में उस जमीन पर अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है तो वहीं पर पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसे जमीन का पट्टा उपलब्ध करवा करके मालिकाना अधिकार दे दिया जाए। अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो उनके पुनर्वास के लिए नई भूमि चिन्हित करके उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने लिए जमीन का पट्टा हो, जमीन पर मकान बनाने की व्यवस्था हो, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, उसके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था हो, उसके लिए शासन की योजना को जोड़ने के साथ ही 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उसके पास हो, यह सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको आश्वस्त करने के लिए इस महासम्मेलन के माध्यम से संगम नगरी में 2025 के कुंभ के कार्यक्रमों के शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी कार्यों के लिए यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, प्रयागराज वासियों को और आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि भाइयों बहनों, सरकार आपके साथ में होगी, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके आर्थिक स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी सरकार आपके साथ खड़ी होकर के कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से 3300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए प्रयागराज वासियों को बधाई, कुंभ में आने वाले जितने भी श्रद्धालु जन है उनकी सुव्यवस्थित एक भव्य और दिव्य कुंभ के लिए जो तैयारियां चल रही है हम समय से इसे पूरा कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में हैं। सीएम योगी की बड़ी बातें आपको बताते चलते हैं, डबल इंजन की सरकार में सम्मान विकास जो है वो देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही हमने जो कहा वो करके दिखाया है, तो ये बड़ी बातें। अनुसूचित जाति को लेकर भी यहाँ पर कई ऐसी बातें कही गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। प्रयागराज को 3357 करोड़ की सौगात मिली है, 424 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है।